हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको व्लॉग में दिखाने वाली हूँ कि मुझे मेरे बर्थडे पे कितने गिफ्ट्स मिले, क्या क्या मिला। और इतना तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि मैं एक छोटा सा सेलिब्रेशन करने वाली हूँ। और दो रीज़न थे छोटा सेलिब्रेशन करने के लिए। पहली बात तो मैं सेलिब्रेशन ही नहीं करना चाह रही थी, लेकिन ये होता है कि जैसे फ्रेंड्स और फैमिली होते हैं वो सब बोलते हैं तो चलो ठीक है, सब की खुशियां मैटर करती हैं। ना सेलिब्रेट करने का रीज़न, सेलिब्रेशन का तो मैं पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मेरे बर्थडे से एक दिन पहले रात के टाइम प्लान किया था कि डेकोरेशन कर देंगे और तब सेलिब्रेशन करेंगे, तो एक सरप्राइज़ देने वाले थे, लेकिन मैंने उस टाइम उनको मना कर दिया। और नेक्स्ट डे भी मैं नहीं सेलिब्रेट कर रही थी, मेरा था कि मैं शूट पे चली गई थी। मैंने सोचा था एक शूट था वो कंप्लीट कर लेते हैं और घर आ जाएंगे, पूरा दिन निकल जाएगा, देन हम लोग रेस्ट करेंगे, दैट्स इट। तो डिसाइड तो ये किया था मैंने कि अपने हस्बैंड का बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे, मेरा अपना खुद का सेलिब्रेशन करने का कोई मन नहीं था। रीज़न ये है था कि मेरी जो बेटी है उसकी एक बहुत ही अच्छी टीचर थी, बहुत ज़्यादा अच्छी टीचर। आप लोगों ने देखा भी होगा परी का जो हमने लास्ट बर्थडे कोविड टाइम पे जो सेलिब्रेट किया था, उस टाइम उसकी एक टीचर आई हुई थी किरण मैम। तो अब वो नहीं रही है इस दुनिया में और ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी हम लोगों के लिए। बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी इंसान थी वो, बहुत ही ज़्यादा अच्छी, मतलब आपको बता नहीं सकती हूँ। मेरी बेटी ट्यूशन जाया करती, मतलब पहले वो स्कूल टीचर थी, देन मैंने उनको ट्यूशन टीचर भी बना लिया था, तो वो मेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह रखती थी। और मैं कहीं जाती थी, परी ट्यूशन पढ़ रही है, अगर 5 से 6 की टाइमिंग है और मैं कहीं जा रही हूँ, मुझे 5 से 8 का टाइम लग रहा है, तो वो 5 से 8 तक भी मेरी बेटी को अपने पास रखती थी। और उनका एक 7 साल का बेटा था, तो बहुत प्यारा बेटा, बहुत प्यारा बेटा है उनका। बस यही थोड़ा सा बार बार सोच के हो रहा था कि बच्चे का क्या होगा, इतनी अच्छी थी, तो बस वही थोड़ा दुख था। थोड़ा तो क्या था, दुख तो देखो ऐसा था कि जब पता चला मुझे उसके बाद, तो मैं नेक्स्ट डे इमिडिएटली गई उनके घर पे, बैठ के आई। मेरे हस्बैंड भी 2 दिन तक बहुत दुखी थे, तो बस वही चीज़ सोच के मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। फिर था कि फैमिली और मेन बच्चे, बच्चों को चीज़ें नहीं समझ आती हैं, तो हमने परी का था कि पापा करेंगे, तो मेरे हस्बैंड परी को नहीं बताना चाह रहे थे ये सब चीज़ें, लेकिन वो परी की टीचर थी और मैम का जो बेटा था वो परी का बहुत अच्छा फ्रेंड था, बेस्ट फ्रेंड था। तो मैं परी को लेके गई वहाँ पर, मैंने परी को बताया, समझाया कि अब आपकी टीचर नहीं है। और सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो परी ने यही बोला कि मम्मी अब उनके बेटे का अयान नाम है, अब उसका क्या होगा, वो कैसे रह रहा होगा मम्मा के बिना। तो बहुत चीज़ें थी, तो मैंने उसको बैठकर समझाया। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं। बर्थडे पे मुझे क्या गिफ्ट्स मिले, देखिए ज़िंदगी चलती रहती है, ज़िंदगी का नाम ही चलना है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और 2 दिन बहुत मुश्किल थे निकालने, लेकिन अब स्टार्ट करते हैं व्लॉग से, कि व्लॉग में मतलब मुझे क्या बर्थडे गिफ्ट्स मिले, कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखा देती हूँ, बर्थडे मैंने सेलिब्रेट किस वजह से क्या वो भी आप लोगों को बता देती हूँ। मेरे हस्बैंड ने केक ला के रखा हुआ था, मेरी एक फ्रेंड थी उसने मुझे केक भेज दिए थे, फ्लावर भेज दिए थे, और डेकोरेशन परी ने, आप लोगों ने व्लॉग में देख ही लिया होगा कि परी ने पूरा डेकोर करवाया बहुत खुश होके, वो चीज़ भी बहुत अच्छी थी। तो बस यहीं पर बैठकर हमने वही केक कट कर लिया, हम लोग कहीं बाहर नहीं गए, मैंने कोई ड्रेस डिज़ाइन नहीं करी, जो मेरे पास रखा हुआ था मैंने वो पहना और उसी से हमने सेलिब्रेशन किया। तो बर्थडे पे आए थे, बर्थडे पे आई थी मेरी देवरानी, मेरे देवर की ड्यूटी थी, जानवी आई थी, मेरी सासू माँ थी, मेरे हस्बैंड थे, मैं थी और परी थी, हम लोग थे बस। और बाकी किसी के साथ कोई बाहर जाके सेलिब्रेशन नहीं किया हमने। तो अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ सबसे पहले कि मेरी फ्रेंड ने मुझे क्या गिफ्ट दिया है। तो मेरी एक फ्रेंड है जयपुर से, पूनम, लास्ट टाइम अगर आपने देखा होगा व्लॉग में, तो जयपुर मैं गई थी उसके घर पे, तो वहाँ से उसने मुझे क्या भेजा है, ये कोड सेट भेजा है
जो कि बहुत ज़्यादा, ये थोड़ा ट्राउज़र उसमें है, उसको बहुत अच्छे से पता है कि मुझे ट्राउज़र कितने पसंद है, मतलब उसको मेरी पसंद बहुत अच्छे से पता है। आप लोग अगर इंस्टाग्राम पे जाओगे तो राव साहबनी पूनम के नाम से उसकी प्रोफाइल भी मिल जाएगी। तो ये उसने मुझे कोड सेट भेजा है, कोड सेट का ऊपर का है ये कोड सेट के पैंट है और बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत महंगा भी है ये। वो खर्चा करती है ना तो देखती नहीं है क्या खर्चा कर रही हूँ। और इसके साथ ना एक नीचे अंदर डालने के लिए क्रॉप टॉप भी है, क्रॉप टॉप है और ये ऊपर ओपन जैकेट टाइप है, आप जैकेट बोल लो या थोड़ा ब्लेज़र बोल लो, वो लुक है। और ये पैंट है तो इसको पहन के मैं ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को, और बहुत ही अच्छा काम इस पर हो रखा है पूरे उस पर, तो जिस दिन पहनूंगी उस दिन आप लोग देखना, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा ये। और उसने मुझे एक चीज़ और भेजी है, उसने मुझे एक पायल का सेट भेजा है, चांदी की पायल, ये देखिए। और वो मुझे चीज़ें गिफ्ट करती ही रहती है, वो जब भी आती है या उसको कुछ पसंद आता है वो इमिडिएटली मेरे लिए भी बाय कर लेती है। जो ड्रेस मैं पहन के बैठी हुई हूँ ये भी उसी ने मुझे दी थी, ये देखिए, बहुत सुंदर कॉटन की ड्रेस है। तो ये जब फंक्शन में आई थी नन्नू के, तब मेरे लिए लेके आई थी दो तीन ड्रेसेस। और जिस चीज़ का शोर हुआ है वो भी अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये ड्रेस और ये पायल तो मुझे मेरी फ्रेंड पूनम ने दी है जो जयपुर में रहती है, और हम इंस्टाग्राम के थ्रू ही मिले थे। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जानवी ने मुझे क्या गिफ्ट दिया। जानवी को आप लोग जानते ही हो। जानवी ने मुझे दिया चांदी का एक ब्रेसलेट, आई होप आप लोगों को क्लियर विजिबल हो रहा होगा, थोड़ा सा पास से दिखा देती हूँ। ये ब्रेसलेट दिया है जानवी ने मुझे, चांदी का है ये। और उसने मुझे दिए हैं चांदी के कृष्ण जी और राधा जी, बहुत प्यारे हैं। ये भी बहुत खर्चा करती है पागल लड़की। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरी देवरानी ने मुझे क्या दिया है। मेरी देवरानी ने मुझे दिए हैं एडी के कड़े, जो अप्रॉक्स 1200 टू 1500 कॉस्ट करते हैं। इस पे टैग था वो, तो उसके थ्रू मुझे पता चला। ये देखिए बहुत ज़्यादा सुंदर है, मतलब ये ऐसा है कि मैं इसको कहीं पर भी वेस्टर्न पे इंडियन पे कहीं भी डाल के एक हाथ में एक या दोनों हाथ में एक एक डाल के जा सकती हूँ। आप लोग देखते हो मोस्टली मैं एक इस पे गोल्ड का पहन के रहती हूँ, और मुझे ना कभी ऐसा कोई अच्छा कड़ा मिला नहीं कि मैं उसको पहन के चली जाऊँ। ये मुझे बहुत ही अच्छा डिज़ाइन लगा, इंडो वेस्टर्न, वेस्टर्न, एथनिक, हर किसी पे मैं उसको आराम से डाल सकती हूँ और इसे कभी ख़राब नहीं होगा ये, कभी भी। थैंक यू सो मच, आई लव यू। और इसको इधर रख देते हैं। और एक और चीज़ मेरी देवरानी ने, मेरे फ्रेंड्स ने, सब ने, अब पूनम थी ना उसको पता था मेरे पास इंडियन ड्रेसेस बहुत है, मेरे पास वेस्टर्न ड्रेसेस नहीं है, बहुत कम है, तो उसको पता था कि वेस्टर्न ड्रेस पहननी है, इसको वेस्टर्न ड्रेसेस बहुत पसंद है, और ये ख़रीदती भी नहीं है और इसके पास कम है वेस्टर्न ड्रेसेस। तो पूनम को समझ आता है मुझे क्या, मतलब मेरे सब लोगों को समझ आता है कि क्या चीज़ मुझे चाहिए। और जानवी को पता था कि ये है तो हम गाड़ी में इसको रख सकते हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे हस्बैंड बहुत टाइम से बोल रहे थे कि मुझे ना चांदी की मूर्ति एक शॉप पे दिखी थी, मुझे वो चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, अभी बजट नहीं है, नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। और वो सेम चीज़ जानवी ने मुझे दे दी। उसको भी पता है मुझे ब्रेसलेट बहुत पसंद है, उसने भी ब्रेसलेट दिया है। तो इन सबको, बल्कि मैं कभी बताती नहीं हूँ, अपने आप ही वो मेरी बातों से जान लेते हैं क्या क्या है पता नहीं। और अब मैं दिखाती हूँ, देखो मेरी देवरानी ने मुझे क्या दिया। इसको मैंने बैग से निकाल लिया, इस बैग में था ये पर्स मेरी देवरानी ने मुझे दिया है। और ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत ही सुंदर बैग है ये। इसका अपीरेंस देखो कितना सुंदर है, बहुत प्यारा बैग है। और इसको आप डबल चेन में भी कैरी कर सकते हो, सिंगल चेन में भी कैरी कर सकते हो।
देखिए ये ऐसा बैग है कि मैं किसी भी मीटिंग में जाऊं या मीटअप में जाऊं या किसी इवेंट में जाऊं तो बहुत रॉयल लगेगा। आप लोग देखते हो मोस्टली मेरे व्लॉग में कि एक छोटा सा ब्राउन कलर का बैग में टांग के रखती थी, तो वो पुराना हो चुका था, मुझे एक चाहिए था। खरीदती तो मैं नहीं हूँ, मैं सोचती हूँ कोलैब में आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो कोलैब में मेरे पास दो बड़े बैग आए थे, लेकिन मुझे परफेक्ट ये लगा। चाहे एथनिक पे डालो, वेस्टर्न पे डालो, किस पे भी डालो, ईजिली कैरी करके इसको लेके जा सकते हो। और ये कलर भी मुझे यही पसंद आते, मेरे मोस्टली बैग के यही कलर होते, तो उसको अच्छे से पता है मेरी चॉइस। वो मुझे कपड़े वगैरह भी गिफ्ट करती है ना, तो उसको पता होता है ये दीदी की चॉइस है। अब लास्ट एंड फाइनल जो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया, और ये वीडियो मैं रात के 11:30 बजे शूट कर रही हूँ, 12 बजने वाले हैं, ऐसे तो नहीं दिख रहा होगा। ये देखिए दिख रहा है, 12 बजने वाले हैं, 10-15 मिनट है। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरे हस्बैंड ने मुझे क्या गिफ्ट दिया है। मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया है आज तक का सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट, 4 लाख का गिफ्ट। ये दिया है मेरे हस्बैंड ने एक मंगलसूत्र, और मेरी शादी के टाइम पे ना एक छोटा सा मंगलसूत्र चढ़ा था मुझे। तो मैं हमेशा कहती थी, जब मेरी देवरानी को भी बड़ा मंगलसूत्र चढ़ा, तो मैंने कहा यार बड़ा मंगलसूत्र कितना सुंदर लगता है। पहले मैंने इसलिए छोटा लिया था क्योंकि मैं कॉलेज वगैरह जाती थी तो छोटा अच्छा लगेगा। फिर मेरी देवरानी की शादी हुई तो फिर मुझे उसका मंगलसूत्र बहुत प्यारा लगता था, मैंने कहा काश मेरे पास भी होता। तो उस टाइम तो चलो मैं मन में सोचती रहती थी, और मेरे हस्बैंड ने मेरी इच्छाएं देखते हुए, मेरी डिमांड देखते हुए मुझे ये प्यारा सा मंगलसूत्र गिफ्ट किया। ये देखो, ये ड्रेस इतनी प्यारी है, अगर पूनम ये व्लॉग देख रही है तो देखिए खींच के फट गई। क्यों फटी? क्योंकि ये यहाँ से टाइट है, तो मैं हाथ ऐसे ऐसे करती हूँ ना, तो मुझे ये स्टिच करवानी है और यहाँ से खुलवानी है। साइज़ परफेक्ट है, बस ये यहाँ से टाइट थी, इसलिए मैं इसको ना कहीं पहन के नहीं जा पा रही। एक बार एक सैलून के प्रमोशन में गई थी तब मैं पहन के गई थी, तब ये थोड़ा सा यहाँ से खिंच गया, अब पहनी तो और खिंच गया। ये बहुत प्यारी और क्यूट ड्रेस है। तो ये था गिफ्ट, और ये एक दिव्या है मेरी फ्रेंड, उसने भी मुझे एक लहंगा गिफ्ट किया है, वो अभी तक पहुंचा नहीं है। तो उसने मुझे मैसेज किया था, दी एक ज्वेलरी है आपके लिए, एक लहंगा है वाइट एंड रेड कलर के दुपट्टे के साथ, वो उसने मुझे फ़ोटो भेजी थी, और एक पायल उसने बोली है दी आपके लिए भेजी है। तो उसने बोला है कि दी 1-2 दिन में आपके पास पहुँच जाएगी, थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन मुझे वीडियो टाइम पे बनाना था, तो मैंने वीडियो इसलिए बना के डाल दी है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी, एंड थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। दिल से शुक्रिया बोल रही हूँ आप लोगों का, आप लोग इतना प्यार देते हो। हाँ मैं तो चलो आप लोगों को इतने बड़े बड़े गिफ्ट्स नहीं दे पाती, लेकिन आप लोग मुझे इस लायक समझते हो, इतना प्यार करते हो कि इतने गिफ्ट्स देते हो। मेरी देवरानी हमेशा कोई भी ओकेजन हो, चाहे मेरे बच्चों का कोई फंक्शन हो या मेरा हो, कुछ भी हो, वो हमेशा सोच, मतलब मेरा ये है कि अगर मैं होती हूँ किसी का कुछ सेलिब्रेशन होता है तो बहुत सोचना पड़ता है उसको क्या पसंद है, क्या दें उसको पसंद है, तो सोचना, फिर मार्केट जाना, लेके आना, एक पूरा दिन गुजर जाता है। पहले ही बहुत महंगाई होती है और सब लोग इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट देते, तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैंने अपनी ज़िंदगी में कमाया है, इतने अच्छे लोग कि वो लोग मुझ पे इन्वेस्ट, क्योंकि हम किसी पे भी इन्वेस्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं यार, तो वो लोग मुझ पे इन्वेस्ट करने से पहले बिल्कुल नहीं सोचते, वो सोचते एक नहीं दो गिफ्ट दे दो। मतलब आपने देखा अभी तक सब ने मुझे 2 ही गिफ्ट दिए हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसने मुझे 1 गिफ्ट दिया हो। तो ये दर्शाता है इन चीज़ों को कि कोई मेरे लिए कितना सोच रहा है, और मैं हमेशा यही प्रार्थना करूंगी कि मेरा सबसे ऐसा ही बॉन्ड हमेशा बना रहे। मैं तो चलो इतने एक्सपेंसिव नहीं दे पाती हूँ किसी को गिफ्ट्स, लेकिन आप लोग प्यार देते हो, थैंक यू सो मच, आई लव यू, थैंक यू सो मच, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू ऑल। और
मुझे गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद आए, इन सबको अब मैं रखने वाली हूँ और ये सारा सामान कल बैंक के लॉकर में चला जाएगा क्योंकि मैं कुछ भी घर पे नहीं रखती हूँ। तो ये सिर्फ मैंने वीडियोस बनाने के लिए रखा हुआ था, अब मैं इसको कल लॉकर में रखे आऊँगी और लॉकर में रख के आने के बाद मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाती, तो इसलिए थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय, थैंक यू, बस कितने बार थैंक यू बोलूँ, टाटा।